सो गाइस गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की 3 ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो क्या है दोस्तों व्हाट्सएप की ये 3 कमाल की ट्रिक्स, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया कि आप व्हाट्सएप मैसेज को 3 अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में सेंड कर सकते हैं या फिर तीनों को मर्ज करके एक साथ सेंड कर सकते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, या फिर तीनों ही स्टाइल को एक साथ मर्ज करके आप अपने किसी भी फ्रेंड को मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैसेज टाइप करने से पहले और बाद में स्टार, अंडरस्कोर और टाइल साइन ऐड करना है, या फिर दोस्तों तीनों को एक साथ मैसेज के आगे पीछे लगाना है। ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। यहीं पर दोस्तों एक और सिंबल या फिर स्पेशल कैरेक्टर है जिसे आपको मैसेज से ठीक पहले और बाद में ऐड करना है। उसके बाद उस पूरे मैसेज का फॉन्ट स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप मैसेज बार में क्लिक करने के बाद ये सिंबल वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप ये सिंबल देख सकते हैं, ये अपोस्ट्रोफी वाला, इसको आपको मैसेज टाइप करने से पहले 3 बार दबाना है और उसके बाद अपना मैसेज लिखना है। आप मैसेज में कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैसेज के बाद फिर एंड में आपको फिर से 3 बार इसे प्रेस करना है। इसके बाद दोस्तों आप इसका फॉन्ट देख सकते हैं, ये चेंज हो गया है, ये मैसेज अलग लुक में दिखाई देगा। अब आप इसे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप में कोई मैसेज पढ़ना भी चाहते हैं किसी फ्रेंड का और साथ ही चाहते हैं कि मैसेज भेजने वाले को ये पता ना चले कि आपने मैसेज पढ़ लिया है, यानी कि दोस्तों उस पर उसे डबल ब्लू टिक शो ना हो, तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर एक सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होगी। जैसे कि दोस्तों हमें ब्लू टिक को डिसेबल करना है, तो इसके लिए टॉप राइट साइड में ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में दोस्तों अकाउंट में जाएंगे और अकाउंट के अंदर ये प्राइवेसी सेटिंग में जाएंगे और प्राइवेसी सेटिंग में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉटम साइड में रीड रिसिपिएंट्स। तो दोस्तों अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो कोई भी आपको मैसेज भेजेगा और आप उसे पढ़ लेते हैं तो उस पर्सन को डबल ब्लू टिक शो नहीं होगा, यानी कि उसे पता नहीं चल पाएगा कि आपने मैसेज पढ़ा है। लेकिन दोस्तों अगर आप भी किसी को मैसेज भेजेंगे ऐसे में तो आप भी नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी सेंड रीड मैसेज पर डबल ब्लू टिक शो नहीं होगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप टेम्परेरली किसी का मैसेज पढ़ना चाहते हैं बिना पता चले, तो इसके लिए आपको सिंपली एक ट्रिक यूज़ करनी है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देखते हैं, ये मैं अपने सेकंड फ़ोन से इस व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर रहा हूं। तो दोस्तों जैसे कि देखते हैं आप, ये अभी अनरीड है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड आपको मैसेज सेंड करता है और आप उसे अभी बिना पता चले पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग में जाना है, या फिर अगर आप टॉप राइट साइड में नोटिफिकेशन पैनल को ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा फ्लाइट मोड का, तो आपको इसको पहले तो ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन कर देंगे दोस्तों, उसके बाद आपको इस मैसेज को पढ़ लेना है इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से आप मैसेज पढ़ भी लेंगे और आपके उस फ्रेंड को सिर्फ डबल टिक शो होगा और डबल ब्लू टिक शो नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें आप बिना व्हाट्सएप खोले भी अपने किसी भी फ्रेंड को मैसेज भेज सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन की होम की को लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पर गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको व्हाट्सएप बोलना है और उसके बाद अपने व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट का नाम बोलना है, जैसे कि सेंड मैसेज टू यश, चैट विद यश, नो प्रॉब्लम, व्हाट्स द मैसेज। अब आप जो मैसेज सेंड करना चाहते हैं उसको आपको बोलना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ हेलो हाउ आर यू, तो इस तरह से यहाँ पे मैसेज टाइप हो जाएगा। अब आपसे मैसेज सेंड करने के लिए पूछा जाएगा, आई गॉट हेलो हाउ आर यू, डू यू वांट टू सेंड इट और चेंज इट। तो फाइनली मैसेज सेंड करने के लिए आपको यहाँ पर बोलना है सेंड इट, और सेंड इट बोलते हैं दोस्तों कुछ ही देर में ये मैसेज आपके उस फ्रेंड तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको व्हाट्सएप में दिखाता हूँ ये मैसेज सेंड हुआ है या नहीं। तो लीजिए दोस्तों आप देखते हैं जो मैसेज मैंने बोला था वो यहाँ पर पहुंच गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिना व्हाट्सएप ओपन किए भी अपने किसी भी फ्रेंड को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।